अच्छा बिल तुम कर रहे हो, मैं तो कहा जीजू कर रहे हैं। मैं नहीं दिए वैसे। क्या हो गया, क्या हो गया? जीजू ने भाभी को कॉल कर दिया। ये मजा गोलगप्पे में मजा आया नहीं है, पानी इसका ठंडा। अन्य ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम लोग कहीं जा रहे थे काम से। आजा भाई, छोड़ो यार सनस्क्रीन, जाने दे सनस्क्रीन। बिल्कुल मिल क्या मुझे तैयार हो गया? चलो चलो, बैग तो बड़ा खतरनाक लियो, समझन नहीं लिया। अच्छा दांत से जब आपका गला, तो बेटा ये कब ठीक होगा? अपने आप ठीक होगा, वो छाला हो जाता है ना कटने, दांत से कटने के बाद वो छाला हो जाता है। उसको छाला ही कहते हैं। वो छाला होता नहीं है, वो कटने के बाद जो मुंह के अंदर जितने भी घाव होंगे ना, वो छाले की ही तरह वर्क करते हैं, फिर वो सही भी छाले की तरह होंगे। तो कब होंगे बेटा वो छाले में? चार पाँच, पाँच सात दिन लगता है। हमारे साल हो गया। साल हो गया? नहीं नहीं, तो दिखवा लो। तो फिर दिखवाओ, ऐसा नहीं हो सकता। एक साल हो गया? नहीं, एक साल नहीं लगता। एक साल तो बहुत बोल दिया आपने भाई, पागल हो जाएंगे। ये देखिए, देख नहीं, वो होता रहता है। एक साल इतना ही। अरे ये छाला नहीं, पता क्या है ये जैसे मसा होता है, मसा हाँ। ये मसा है जैसे मेरे बचपन में। नहीं, ये मसा पता कैसे हुआ? एक दिन मेरा वो कट गया था दांत से, हाँ। ये गलफरा, हाँ, उसी से बेटा हो गया। ये मसा है, ये वाला मसा है ना जो कटता है फिर रिकवर होता है, फिर वैसा धीरे धीरे ठीक हो गया। इंडिकेटर दे दो, आगे से लो ना, दबाओ। ये ले गया ना मेरे को यहाँ। आज पूजा दीदी का अपना पहला व्लॉग होगा। तभी तो मसी बुलाई, नहीं बोले कोई जट मग। ये जीजू है नसे रे, ये लो नसे जीजू। छोले बनाए तुमने भी? हनु जीजू पूरी खा रहा? क्या खा के आया? कुछ नहीं। तो अभी 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 पता चला कि ये खीर दीदी ने नहीं बनाई ना, चोल कुछ नहीं बनाया क्योंकि मैं संडे लेट उठी। भाई साहब आंटी तो फिर 20 स्पेसिफिक, इससे पहले भी आंटी ने जो जो खिलाया मुझे बढ़िया, फिर भी बहुत अच्छी है ना, ना ज्यादा मीठा। कटकट की सब्जी है, कटकट क्या बाबा को पसंद थी। कटकट क्या होता है जी? परमल को कहते हैं भाई, परोरा। मुझे इतनी मजा आ रही है। जीजू ने फिलहाल अपने हिसाब से लिफ्ट बनवाई है, सुकून से आराम से। आज के दिन सारे आ जाएंगे, आ जाएंगे। कौन कौन देता भाई लिफ्ट में? अभी निजी ने अपने हिसाब से बनवाई है। नहीं, और हिसाब से क्या होता है, कोई एक ही बंदा क्या पूरे लिफ्ट में बैठे? तो मेरे पति को क्या बोला? चार है, इसमें मैं साथ दो और आ जाएंगे। वेट क्या है इसका मैक्स? 408 किलो। अरे यार जीजू, दो नहीं और है वो देख। अरे मैं कह रहा हूँ एक ही और आएगा, छह पैसेंजर लिखा भी है, छह नहीं कहते हैं, छह पैसेंजर विद 408 मैक्स वेट। कौन जीजू? अस्सी किलो के छह। अब क्या मैथ्स है? अब क्या कहते हैं जीजू 100 किलो है। मैं अच्छा, तूने वेट नापा 100 किलो? अरे भाई जाने ही होंगे। नहीं जीजू, कितना वेट है आपका? वेट कितना है? 85 है यार, झूठ कितना बोल, दिमाग खराब है, मजाक कर। 85 गाड़ी चल जीजू, 95 दो है, 110 वजन ऐसे थोड़ा बढ़ जाता है। क्या मेरे वेट के? दीदी ने तो अपना वेट कम कर लिया। तेरा है कितना? चलो नहीं भाई, चल चलो घर पे। हाँ कर सकते हो, लेकिन पहले खाऊंगी तो ना ट्राई करूंगी। तो कहाँ पे है दीदी वो? वो मजनू टिल में LHA करके है। LHA क्या कैफे है? रेस्टोरेंट है वो, अंदर है गली में, पंकज गली में।
फूड फूडी वाली ने बताया था मुझे फूडी से। तो तुम्हारी फूडी लोगों से बनती होगी बहन? अरे अरे फूडी मतलब फूड ब्लॉगर ब्लॉगर से। मैं देखती हूँ भाई। तो तुम फूड ब्लॉगर ही बन जाओ ना। मेरे को बहुत पसंद है, मेरे को तुम्हें फ्री में खिलाएंगे भी। हाँ, बस खिला दे मुझे फ्री में ब्लॉग। नीरज से ट्रेनिंग लेके। जीजू दीदी दीदी ने प्लान बदल दिया, फूड ब्लॉगर बनेंगे अब। दीदी कह रही है भाई सही है, फ्री का खा भी लूंगी, कैमरा ही दिखाना है। नहीं यार मुझे बहुत यार पंगी नहीं, अच्छा मेरे को पसंद नहीं है खाना जगह जगह लेके। कोई नहीं, तुम अपने ब्लॉग का ना कोर वही रख लेना। मेरा है ना यमी टमी। हाँ तो यमी टमी क्या है? मेरा यूट्यूब चैनल था। कहता कहता मुझे पहले रूट लर्निंग था, फिर यमी टमी हुआ, आगे आपको कुछ और भी बनाने वाली हूँ क्या? हाँ तो लाइफ में चेंजेस बहुत। हीना ने भी खोला था। हीना ने तो टाइम पास कर दिया। तो अभी भाई यहाँ पे शर्त लगेगी पंकज भाई जिस गली में, ये सही है कि नहीं? तो दीदी मतलब पूजा दी और पंकज भाई हमेशा सही होते हैं। और मैं भी सही हूँ। आगे पंकज वो आगे वाली गली है, वहाँ है वो रहा कूड़ेदान। जीजू और मैं कह रहे हैं ये वाला नहीं, आगे कूड़ेदान आगे, मैं कह रही हूँ आगे आगे है और लेफ्ट में। तू भी तो वही कह रहा है। मैं भी तो वही कह रहा। नहीं नहीं ये दोनों कह रहे थे आगे वाले कट से जाना है, मैं और पंकज कह रहे थे यही से जाना। हम कई महीनों पहले आए थे पंकज की एंगेजमेंट से पहले। चलो देख लो लेफ्ट नहीं है राइट है भाई। पंकज की तो एंगेजमेंट ही नहीं हुई अभी। मेरी नीरज की एंगेजमेंट हुई। मेरी मेरी और जीजू कितनी मेरी और जीजू ने कहा राइट कहा है? हाँ भाई कूड़ा दिखा दीदी कूड़ा आगे। हाँ भाई कूड़ा अरे आ गया आ गया ना राइट राइट मोड़ो राइट। कहाँ है कूड़ा अंदर? तो अरे ये रहा भाई क्या? हम तो समझ में आ रहा कूड़ेदान आगे। हम कह ही रहे थे, हम तो यही कह रहे थे भाई कि इतनी देर से इनको नहीं पता था। वो आगे लगा दे भाई। क्या हो गया क्या हो गया? अब बता भाई। अरे जी जी यहाँ नहीं जाएगी। अरे जाएगी ना, उल्टी डालो ना गाड़ी। रुको बता भाई बंदा कितना ऑफिस नहीं भी जाएगा लेकिन एयरटेल के लिए लाल टी शर्ट ही पहने भाई। तुम भी तो पहनी डार्क लाल। मेरे लाल में तुम बताते हो कि मैं मेरा भाई एयरटेल में कस्टमर का खून पीता है ये मेरा पीती है। ड्रिंक ऑन व्हील्स ठेका तो चल रहा है पुराना, ये तो शार्क टैंक में भी है ठेका। जीजू को दुकान नहीं दिख रही, जीजू कह रहा है मैं यहाँ पे चाट वाली गली दिखा चली गई। अच्छा दीदी को जी दीदी को ज्यादा फेमस पाव भाजी वाला। जीजू ने भाभी को कॉल कर दिया था, आपने कहा था आप दूसरा नंबर देंगे अपना, पर वो नंबर नहीं दिया। वो मैंने उसके लिए पूछा था आपसे अपना जो इलेक्ट्रिक बाइक के लिए शायद आपको तो नहीं, आपने यही बोला था ना कि आ जाएंगी आने वाली है और मतलब आगे इलेक्ट्रिक में करते हैं। अच्छा और आने की भी कोई गुंजाइश नहीं है मैम? कैसे बजाज में चेतक आ गई है? अच्छा तो मैम ये हीरो वाले कम्पीट कैसे करेंगे मार्केट में अगर इतना पीछे चलेंगे तो? हीरो को जीरो बनने में टाइम नहीं लगेगा फिर मैम? आप सजेशन तो दो हीरो वालों को। हाँ बजाज वाले का नंबर सेंड कर दीजिए मैम, और एक अपना वो आप ये कह रहे थे कि ये आपका पर्सनल नंबर है, एक ऑफिशियल नंबर भी सेंड कर देना। ये आपका तो फोन आपके पास है? एक मिनट दे लो। मैम मैसेज कर दो प्लीज, मैं इस टाइम पोजीशन में हूँ, पता कुछ है ही नहीं लिख पाऊंगा। मैम आपको वीडियो कॉल करें तो मैम आप लोग नहीं रखते बजाज? बजाज में आप भी हीरो में डील कर लो। मैम मैं तो मानता ही हूँ आपको हीरो हूँ, मैं तो मानता ही हूँ, पर आप लोग हीरो अच्छा बजाज का सेक्शन किसी और को दे रखा है। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा वो उसमें डील करते होंगे, मतलब कंपनी आपकी है। एक साथ नहीं रख सकते।
नहीं नहीं पजल हो जाता है। ठीक बात है, ठीक बात है। मैम व्हाट्सएप कर दीजिए प्लीज। नहीं होता नंबर बिना सेव, मैं उस पर नोट करूँ, मेरे पे कोई फोन को बिना नंबर सेव किया हो जाता है। अच्छा बिना नंबर सेव किए भी तो हो जाता है। मैम कैसी बातें कर रहे हो आप, इतना वो काम करते हो। अच्छा आता नहीं, एक मिनट रुको फिर मैम, एक सेकंड रुकोगे, मैं एक मिनट रुक के कहीं से लेता हूँ। इससे कॉल लगाऊं तो हम काटेंगे आपको। हाँ मैम एक मिनट बस, एक मिनट मैम, देना आप बोलिएगा नंबर। हेलो हेलो तो अभी हम आ गए अपनी पुरानी मार्केट कमला नगर, सामने ट्रेंड्स है और दीदी को लेने हैं अपने लिए शूज। और यहाँ पे भैया यहाँ पे पटाखा पटाखा फुलझड़ी, कौन से कैसे पटाखे फुलझड़ी मिलती है, गोला बम तितली बम। पागल पागल हो गया वो, जीजू कहाँ गया, रुक जा रुक जा रुक जा। अबे वो इतना एक्साइट हो गया था बंदा, कह रहा हो भाई व्लॉग। अभी जीजू बैठे हैं, दीदी अपने लिए शूज सेलेक्ट कर रही है और जीजू बहुत देर से बैठे। मेरे जूते 6 महीने से पटे हैं, अभी कोई जोड़ी लेंगे। भाई आप देखो कलेक्शंस, भाई कुछ कलेक्शंस मुझे इतने बढ़िया लग रहे हैं ना, जैसे आप ये देखो ये मैरून वाला, वो ब्लैक वाला, ये पूरा लेडीज अच्छे हैं और दीदी परेशान है तो ना, तो ये लाइटिंग की वजह से तो डिम 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 करते। एक ये ब्राउन वाली ले लेंगे, ये डन कर रहे हैं क्यों, कंफर्ट की वजह से। भाई दिखा रहे हैं भाई, 15-20 मिनट से तो दिखा ही रहे हैं भाई, वो वाली दिखाई वो गुच्ची। हाँ ये गुच्ची की ब्रांडिंग पैरों से हो रही है भाई साहब। कितने का ये 1900 रुपए का है भाई, जिसे लेना है भाई कमला नगर मार्केट फॉरएवर। समझ में आ रहा है, मैं तो व्लॉग चलो जी। अच्छा बिल तुम कर रहे हो, मैं तो कहा जीजू कर रहे हैं। मैं नहीं दिए वैसे। चलो 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 उडुपी आओ, उडुपी ठीक है और क्या यार, रहने दे घर चलते हैं, घर चले। उडुपी गाना है क्या, इसका कंफ्यूजन लगता है। उडुपी क्या होता है, रेस्टोरेंट है साउथ इंडियन। चलो फिर पहुंच गए भाई साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, जीजू का फेवरेट। अच्छा फिर भी खत्म हो गया, क्या कह रहे थे आधे घंटे की मीटिंग बताई थी उसने, और आधा घंटा होनी है। मैं भी अपनी मर्जी चला रखी, मेरा तो रिकॉर्ड हो रहा है। लड़ाई अलग हो गई भाई, हम दोनों क्या खाना है, वेटिंग है। चलो वेटिंग है भाई, 7-8 सात आठ है यार, अभी लिखवाया ना मीटिंग तो है। विनीत जीजू का लिखा होगा, विनीत जी देखो विनीत लिखा है ना ऊपर है, वेटिंग है भाई, ये सारा वेटिंग है भाई यहाँ पे अपन। अब हम लोग भाई गोलगप्पे खाने जा रहे हैं भाई, जाम लगा जहाँ जाओ वहीं तो जाम है। सूजी वाले खाऊंगा भाई मैं, पंकज भाई सूजी वाले खाओगे, सूजी वाले इधर ही खिला रहे हैं भाई। बहुत बढ़िया बनाया था गोलगप्पा में, एक तो हमारे यूपी में तो जैसे वो डालते हैं मटर, मटर डालते हैं हाँ। यहाँ डालते हैं चने, आलू आलू और चने भाई। तक जो हिसाब से उसने बना के दिया था ना, एक तो पानी था इसका ठंडा, आप
तो थोड़ा और मजा आ गया। अब मैं धीरे धीरे जीजू पता है कॉन्फिडेंट ला रहा हूँ कि मैं मार्केट में भी ब्लॉग कर सकूँ। बिल्कुल बिल्कुल तुम कर सकते हो। बेहयाई आनी चाहिए, बेहया होना पड़ेगा क्योंकि लोग देखते हैं साल सब कुछ कर सकता है। दिल्ली शहर में इतना लोग घूरते नहीं है, लखनऊ के मैंने जीजू लोग घूरने लगते हैं, छूटिए क्या करता है। मजा आया भाई, मजा आया। पैसे किसने दिए? पैसे बताने पूरे दिए मैंने नहीं दिए। दिल्ली में किसी छुट्टी के बाद किसी दूसरे छुट्टी के लिए समय नहीं है। आपको जो कर रहे हो करो, वो करो। सब सब अपनी दुनिया में इतना मगन है। मुझे लगता है कोई धक्का भी मार दे ना तो यूपी में तो लड़ाई हो जाए धक्के के लिए। यार धक्का मार दे रहा है ठीक है, तू बात है कि तू सक्सेस हो गया तो दो चार लोग तेरे पास आ जाएंगे। हाँ ऐसा भाई नीरज भाई, लेकिन ये बता गोलगप्पे में मजा आया नहीं है? पानी इसका ठंडा था और चने भी अच्छे थे। इमली का स्वाद आया, वो सौंठ नहीं था सौंठ। अब मुझे नहीं पता था चटनी को सौंठ कहते हैं। यार कुछ भाषा तो तुम लोग ऐसी सिखा रहे मेरे को। सौंठ मुझे नहीं पता था, सौंठ चीज है जो पड़ती है इसके अंदर चटनी। हाँ उससे बनती है पूरी चटनी। दी कहाँ गई यार? वो लड़की नाराज है ना, उसने पैसे पे किए। पैसे पे कर दिए ना उन्होंने। अरे यार 60 रुपए तो दिया तुमने। 60 रुपए तो सही बात है, सही बात है। तो भाई यहाँ पे देख लो आप, आर्मी और पुलिस खड़ी हुई है। देख लो कौन कौन से कैंडिडेट है। कहाँ है? तो रोहित खत्री, भानु प्रताप सिंह, आर्यन मान, ऋषभ चौधरी। इसमें से टिकट कौन पाएगा जी? आर्यन मान नहीं, बट गई ना टिकट। तो टिकट बट गई? हाँ बट गई, कल बटी है। किसको किसको मिली कुछ पता है? राहुल को तो मिली होगी। कौन कौन टिकट पाया? एबीवीपी से, क्योंकि भाई आरएसएस एबीवीपी देखती है तो जीजू आरएसएस से जुड़े हैं तो वो एबीवीपी का ही बता पाएंगे। नहीं उनका भी है, देखो अभी मिल जाएगा। रौनक खत्री है ना शायद, रौनक खत्री को मिली है। दिखा दिखा इधर दिखा। प्रेसिडेंट के लिए यहाँ ऋषभ चौधरी प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट भानु प्रताप सिंह, ये लिखा ऋषभ चौधरी। यहाँ फॉर प्रेसिडेंट भानु प्रताप सिंह, सेक्रेटरी मित्र बंदा, वाइस प्रेसिडेंट में भानु प्रताप सिंह है। मित्रविंदा का कितना बड़ा वो लगा हुआ, कितना सही लग रहा है। मित्रविंदा करणवाल ये वो है सेक्रेटरी के लिए, ये फीमेल है इसमें, ये तीसरे नंबर पे। ये सारे जाट गुजर है, एबीवीपी की लिस्ट है। हिंदू क्या? हिंदू प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी सब सब। चल आ जियो, कल आ जियो। बाय जियो बानू। तो मम्मी ने शॉपिंग कर ली, कल आओगे क्या? नहीं यार, बाय ओम। चल तुम तो साथ चल रहे हो। बाय बाय। कह रही है भाई तुम तो साथ चल रहे, चलो इस ब्लॉग को भी यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मौसी कैसा लगा? बहुत अच्छा। मौसी को अच्छा खाना खा लिया? कहाँ कुछ खाया है, चलो चल रहे हैं, लेकिन पेट भरा है।